नमस्कार, आज हम बात करेंगे आपके ही डिवाइन मस्कुलाइन को समझने के लिए कुछ और ट्रेड्स उनके क्या है, जो कि थोड़ा और इजी वे में आपको समझ में आ जाए कि जिस व्यक्ति के साथ आप संबंध में हैं वो वाकई आपका काउंटर पार्ट है या नहीं। पहली बात तो यही है कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे प्रेम भी करता है और दूर भी भगाता है और कुछ भला बुरा भी कहता है और आपको करियर में भी इंक्रीज करता है, ग्रोथ लेकर आता है और आपकी सोल ग्रोथ के लिए भी ट्रिगर करके या डायरेक्टली सीधा बोल के कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है जो आपको बढ़ा भी रहा है आगे और डांट भी रहा है, तो समझ लीजिए वो आपका काउंटर पार्ट हो सकता है। नॉट श्योर कि 100% हो सकता है, बट हो सकता है आपका काउंटर पार्ट या आपका फ्रेंड या ऐसा व्यक्ति जो सॉरी कहने के बजाय, सॉरी कहने में उसे तकलीफ होती है और सॉरी कहने के बजाय आपको घुमाने ले जाए, कुछ खिला पिला लाए या कुछ गिफ्ट आइटम ही दे दे, वो आपके साथ रहते हों, आप उनके साथ मैरिड हों, अनमैरिड हों, जो भी सिचुएशन अलग बात है, जिस व्यक्ति के साथ आप समझ रहे हैं कि हाँ रिलेशनशिप है, संबंध है, कुछ सोल कनेक्शन फील हो रहा है और इस तरह की बात है कि वो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बड़ी बड़ी लंबी हाँकना और दूसरे ही पल ये कहना कि जाओ जाओ जहाँ तुम्हें जाना है ना, और मुझे नहीं पता तुम कौन हो, है ना, मैं पहचानने से मना कर देना, इस तरह की बात भी अगर जिस व्यक्ति के साथ होती है तो आपको लगता है, क्योंकि आपका दिल आपकी गट फीलिंग तो जानती है कि ये कहीं ना कहीं लव तो करता है, इस तरह से तो कोई नहीं होता, छोड़ता है तो छोड़ देता है, लेकिन ये लड़ाई भी एक्सट्रीम लेवल का करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि लाइफ में आगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ज़िंदगी किस तरफ जाएगी, फियर बेस्ड एनर्जी होती है उनकी, आपको बढ़ा भी रहे आते होते हैं आगे और कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग भी कर रहे होते हैं, तो बाहर निकलने में इस जर्नी से आपको थोड़ी तकलीफ हो जाती है, वो दिमाग में हर समय रहते हैं और कई बार वो ये भी कह देते हैं कि छोड़ दो मुझे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बातें भी वो करते हैं। हाँ, डिवास्टेटेड एनर्जी रहती है ये, अगर ट्विन फ्लेम ही है आपका काउंटर पार्ट है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति जो अपनी ही स्टेटमेंट पर टिक नहीं रहा है, आज ये कहा कल दूसरी बात, मतलब अपनी ही बात को काट देना और फिर ये कहना कि मैंने ये कब कहा था, मैंने तो ये कहा ही नहीं था, तो आप वो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है ना वाकई बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है और आपको लगता है कि नहीं ये कंफ्यूज नहीं है, ये तो मुझे गोस्टिंग कर रहा है, शायद नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको है, तो आपके फ्रेंड फ्रेम में भी आप वो हो सकते हैं और वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं हम तो फ्रेंड जोन में ही रहेंगे, हम तो फ्रेंड ही हैं और मुझे इससे ज़्यादा आपके साथ आगे नहीं बढ़ना है, तो आपका फ्रेंड ये भी हो सकता है कि मैरिड अनमैरिड किसी भी तरह की बातें इसमें रह सकती हैं, तो ये आपका जो संबंध है जो चल रहा है ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं शायद कम्युनिकेशन इसके साथ अच्छा रहेगा, आगे ठीक रह सकता है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं नहीं हमारी फैमिली नहीं मानेगी, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी, हम मिल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तुम चाहे कहीं भी शादी कर लो मैं तुमसे मिलता रहूँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की बातें रहती हैं, तो समझ लीजिए वो आपका काउंटर पार्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं होता किसी के साथ टाटा बाय बाय हो गई तो बाय बाय हो जाती है, ये नहीं है कि ब्रेकअप हो गया मतलब तो ब्रेकअप हो जाता है, ये नहीं है कि बार बार पैचअप होता रहे, बार बार पैचअप, फिर वो बार बार कंफ्यूज होते रहे कि मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे पास आता हूँ, तुमने मेरे पर क्या काला जादू कर दिया, समथिंग समथिंग, इस तरह की जो बातें होती हैं ये डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली डिवाइन मस्कुलाइन जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं वो अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ही देते हैं, जो बचपन का फ्रेंड्स है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार्मिक लोग हैं, वो तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे पैसे का यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी को कहीं और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तुम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो, ये आपकी आत्मा जानती है, ठीक है ना, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, वो लेकिन वो उल्टा आपको बोलेंगे मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किया, मैं ये, मैं वो, मैं कर रहा गलत है, तो वो आपके वो हो सकते हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो टैरो एस्ट्रोलॉजी या सिंपली गाइडेंस लेना है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें, ये वाली बात है। अच्छा, टू मच लव एंड टू मच हेट भी रहता है, समटाइम कहते हैं कि आई लव यू, सम नेक्स्ट टाइम कहते हैं कि आई हेट यू, तुमसे बुरा कोई है नहीं, जब से तुम जिंदगी में आई हो लाइफ हेल हो गई है और दिस एंड दैट, इस तरह की बातें होती हैं, क्यों, क्योंकि डिस्टर्ब माइंड रहता है, क्योंकि वहीं पर ही जैसे एक बार कह देंगे आई लव यू, नेक्स्ट डे कह देंगे आई हेट यू, फिर थर्ड डे कह देंगे आई एम सॉरी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, क्योंकि उनके लिए भी मुश्किल हो जाती है इस आई हेट यू कहने के बाद, उनके भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वो हैवीनेस आ जाती है, फिर वो नेक्स्ट डे फिर से आई एम सॉरी करके बात को सुलझाना चाहते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हैं, उनका बचपन भी हो सकता है बहुत अच्छा नहीं गया हो, बहुत अच्छा भी गया हो तो वो नहीं समझ में पाते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये किस तरह की जर्नी है, ये लड़की है कौन, या डीएफ में जो भी पार्टनर है कोई मेल भी है तो ये कौन है, ये जो बार बार आ जाते हैं, हो सकता है अलग अलग स्पाउस से भी मैरिड हो तो भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस बंदे को छोड़ा जाए कि
कुछ भी किया जाए, आप चाहे विदेश भी पहुंच जाएं, लेकिन ये जो पर्जिंग है ना वो खींच के वापस आपको यहीं पर ले आती है। बहुत से ऐसे पर्सनल गाइडेंस में मैंने अपना देखा है, मतलब प्रैक्टिकलिटी में देखा है, तो ये होता ही है, वो घूम फिर के वापस वहीं खींच के आ जाते हैं, उसी ऑफिस में आ जाते हैं। ये है, तो समटाइम उनको ये लगता है कि हाँ कुछ गलती हुई है, लेकिन फिर भी वो यही कहते हैं कि नहीं, जो भी मैंने किया वो तुमसे ज़्यादा किया। समटाइम एंगर इशू, एंग्जाइटी, हेट्रेड, इस तरह की भावना फिर आपके मन में अपने पार्टनर के लिए आने लग जाती है कि ये आदमी है क्या है, आदमी या फिर ये पार्टनर है क्या है, ये ऐसा कोई रह सकता है या रह सकती है। कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, मतलब डीएम के ट्रेट्स बता रही हूँ, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेपरेशन फिर इसी कारण से बनता है, जब एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है ना कि क्या है तुम, कभी आई लव यू बोलते हो, हेट यू बोलते हो, फिर सॉरी कहते हो, फिर आई लव यू, हेट यू, देन सॉरी, ये कब तक चलेगा। तो ये सारा टाइम चलता रहता है, कई साल चलता है, तो ऐसे में आपको बहुत मुश्किल आ जाती है और आप सोचते हैं कि बस भाई अब तो, बस अब तो मुझे इसका ब्रेकअप करना पड़ेगा। यहीं पर ही डिवाइन इंटरवेंशन होता है सेपरेशन के लिए कि भाई छोड़ दो एक दूसरे को, फिजिकली अपार्ट कर देते हैं। दोनों ही जब अलग अलग दूर हो जाते हैं, फिर उसके बाद समझ में आती है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, क्योंकि हम सेल्फ लव नहीं कर रहे होते ना, आपका डिवाइन मस्कुलाइन करने देता है। डिवाइन मस्कुलाइन भी एक तरह से खुद का सेल्फ लव कर रहा होता है और कहता है कि मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे संभालो, मुझे पढ़ो, है ना, मैं वाली होती है। लेकिन सेल्फ लव उससे ज़्यादा वो सेल्फिशनेस दिखाई देती है, तो रेगुलर स्टेटमेंट के चलते चलते भी वो कुछ और ही बातें करते हैं, इसलिए इररेगुलर उनकी इररेगुलरिटी रहती है उनके स्टेटमेंट में भी, इसलिए आप पागल जैसा महसूस करते हैं और उनको भला बुरा कहते हैं, क्योंकि वो भी समटाइम आपको भी भला बुरा बोलते हैं, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स को भी कहते हैं। ये बहुत ही डिविनिटी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये डिवाइन मस्कुलाइन के ट्रेड्स हैं, जहाँ पर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ट्रिगर करते हैं। कई बार कुछ भी नहीं कहते हैं, हंसी या टोंट के मामले में कुछ ना कुछ कह दिया सेंटेंस और वो आपके माइंड में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो कुछ ना कुछ बिलीव डिसबिलीव आपको होते हैं, अचानक से आपको सिंक्रोनिसिटीज होने लग जाती है, अचानक से आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दिखने लगता है, एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं और आप इधर उधर भटकने लगते हैं, किससे पूछे, क्या पूछे, क्या करें, सही क्या है, है ना, गूगल भी सर्च मार लिया होता है, लेकिन फिर भी ऐसा ही रहता है। तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़्यादा समझते हैं, आपको सेकेंडरी लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है जब आपको छोड़ देते हैं क्योंकि दुनिया मुझे सेकेंडरी ले रही है यार, भागो। फिर वो आप अपना कंफर्ट जोन, वो जो कार्मिक वाला है, उसको छोड़कर फिर आपके पास आते हैं। मतलब बार बार ये ब्लेम गेम चलता है, बार बार ऑन ऑफ की सिचुएशन, आपको लगता है रियूनियन हो गया, देन फिर बार बार सेपरेशन होता है, देन फिर आपको लगता है शायद कुछ मैंने अचीव किया, और फिर ये लगता है कि हाँ मैं तो अचीव कर रही हूँ, मैं तो कुछ नया सीख रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं वापस से इधर ही क्यों आ जाती हूँ, मैं उसको बार बार माफ़ क्यों कर देती हूँ। वो कितना भी एक्सट्रीमली आपके साथ कर ले, लेकिन आपका गुस्सा होना उस समय तो हो जाता है सेपरेशन टाइम में, जब बहुत ही एक्सेसिव एनर्जी होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब आप अपने ऊपर सेल्फ लव करने लग जाते हैं ना, तो वहाँ आपको लगता है मैं इस व्यक्ति को क्यों दोबारा अवसर देती हूँ, बार बार अवसर ये क्यों देती हूँ कि ठीक है कर लो मुझे डिस्टर्ब, ये मैं क्यों करती हूँ। तो आप अपने ऊपर गुस्सा होते हैं, तंग होते हैं, परेशान होते हैं और अपने आप को ही भला बुरा बोलने लग जाते हैं। तो जैसा उन्होंने आपको बोला कभी कभी उल्टा सीधा, तो वही आप भी उनको रिवर्ट बैक करने लग जाते हैं। जब आप उनको रिवर्ट बैक करने लग जाते हैं, तो वहाँ से फिर वो कम्फर्ट जोन में जाते हैं। कम्फर्ट जोन उनका या वर्क होना है, वर्कहोलिक हो जाना है, मम्मी जी हो जाती हैं, ठीक है ना, या फिर उनकी कोई फ्रेंड हो जाती है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं फिर ये आपको इग्नोर करने लगते हैं, नो मैसेज, नो नथिंग। तो इस तरह से बात होती है। हेलो, एक बात और करनी है आपसे कि मेरा एक चैनल है लाइफ विद लक्ष्मी, रिन्यू किया है मैंने, जिसमें नो टैरो, नो एस्ट्रोलॉजी, नो ट्विन फ्लेम, सिर्फ जनरल लाइफ टॉक्स। उसमें सब्सक्राइब बताऊँ कितने हैं, उसमें है 3696, है ना एंजल नंबर, तो ज़रूर देखिएगा और कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। इसलिए आगे मैं बताती हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम से कॉर्ड कटिंग जो है ना, वो होने नहीं पाती है, बार बार वो आ जाते हैं, तो टंग ट्विस्टिंग भी उसमें आ जाता है, टीनिटस जैसा कान में लगना, जो घंटी सी बजती है वो समटाइम होता है। आप डॉक्टर को दिखाते रहिए, लेकिन डॉक्टर जब ये कहते ना कि कुछ भी डायग्नोस करके कुछ भी नहीं आया, तो समझ लीजिए और फिजिकल पेन है, हार्ट पेन हो रहा है, तो आप एक बार हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए, तो वो कहेंगे कुछ नहीं है। मसल्स पेन हो रही है, तो आप दिखाएंगे फिजिशियन को, वो कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं है, सब एवरीथिंग इज़ ओके। जब डॉक्टर्स कहते हैं एवरीथिंग इज़ ओके, तो समझ लीजिए ये भगवान का किया हुआ है, ये ट्विन फ्लेम का किया हुआ है। ट्विन फ्लेम इसलिए कहते हैं, भगवान को ध्यालो, ये ट्विन फ्लेम आएंगे, भगवान उसको खींच कर आपके पास लेकर आते हैं। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो तैयार है ना आप उसमें डूब के जाने के लिए,
क्योंकि तैरने से काम नहीं चलता इस जर्नी में। ऊपरी ऊपरी देख लिया, थोड़ा थोड़ा इधर से कोर्स कर लिया, उधर से कोर्स कर लिया। कोर्स करने से इनर वर्क नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प मिलती है, वो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि 6 महीने का कहीं कोर्स कर लिया, साल भर का कहीं कोर्स कर लिया और आप इनर राइज, अपने अंदर से आप बिल्कुल प्योर पायस हो गए। नहीं, ईगो को बार 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 मारना पड़ता है, हर पल मारना पड़ता है। मेरी एक डॉक्टर क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि लक्ष्मी जी, हाँ मैंने अपने ईगो को मारा। उनका एक एग्जांपल दे देती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी, लाइन में लगना पड़ा। और मैं ये सोच रही थी कि मैं क्यों लाइन में लगूँ, मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं जल्दी से अपना नंबर लगा लेती हूँ। लेकिन मैंने अपने ईगो को वहाँ पर मारा कि मैं कहाँ हूँ डॉक्टर, मैं तो एक पेशेंट हूँ, मैं तो एक पेशेंट बन के आई हूँ, तो मुझे भी इन पेशेंट्स की लाइन में लगना होगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा, तब तक मैं कुछ और पढ़ लेती हूँ और लाइन अपना बारी का इंतज़ार करती हूँ। तो वहाँ कहती हैं कि मैंने उस तरह से उस जगह पर सोचकर, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर सोचकर अपने ईगो को मारा। नहीं तो मैं कहती कि नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं पेशेंट के साथ क्यों बैठूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं पेशेंट हूँ। तो यहीं थैंक यू सो मच मेरी वीडियोज़ को देखकर। अगर आप लगातार कुछ ना कुछ सोचते हैं और अपने ईगो को मेल्ट करते हैं, जैसे जैसे नीचे लेकर आएंगे अपने ईगो को, वैसे वैसे लव आपके अंदर से उभर कर भर कर आता चला जाएगा। यही चीज़ है ना। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, नमस्कार।